ये मुकदमा जिसने किया है वो ऐसे ही अपराधी किस्म का आदमी है और ट्रस्ट के ऊपर और ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर ईर्ष्या और जलन बस और कुछ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुकदमे करता रहता है और इसके ऊपर खुद इसी धारा में 156(3) में मुकदमा दर्ज है और उसके FIR जिससे हम लोगों ने ज़मीन खरीदा उसने किया हुआ है उसकी जांच चल रही थी। उसने अपने बचाव में कि ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर भी मुकदमे कर दिए ताकि हमारे बचत हो जाए और ये लोग दबाव में आएंगे तो हमसे बचत करेंगे सब समझौता करेंगे ये, जबकि वो मुकदमा ऐसे ही किया। किस तरीके का आपको ब्लैकमेल करता है, किस तरीके का मामला? ज़मीन की रजिस्ट्री हम लोगों ने लिया है नंबर एक में और ऐसे मुकदमे ट्रस्ट के मंदिर को बन रहा था उसमें रोड़ा अटका दिया और ट्रस्ट का मंदिर बन रहा था उसमें रोड़ा अटका दिया मुकदमे किए तमाम ठीक है इस तरह से।